गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई एम अगेन बैक। देखिए आज जो हम करने वाले हैं, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो मैथमेटिकल फिजिक्स को लेके चल रही है, और इस मैथमेटिकल फिजिक्स में मैं आपको जो मैंने लास्ट टॉपिक इंटीग्रल्स के बारे में बताया वो सारा बेसिक्स है इन टॉपिक्स के लिए, और आज भी हम बेसिक्स से करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ, लिख के कहता हूँ कि आप जो चाहते हैं आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा, और जब आप ये वीडियो खत्म करेंगे तो आप ये सोचेंगे और आपको लगेगा कि हाँ हमने अच्छा टाइम दिया, और हमारा ये टाइम जो हमने इस वीडियो को दिया हमारा अच्छे से यूटिलाइज हुआ और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ओके, देखिए इस बेसिक्स में मैं क्या करवाता हूं, हमेशा ध्यान रखना, आज आपको यह समझ में आ जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में एक क्लास डाली है कि ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग क्या है, राइट? तो इसमें हमें बहुत अच्छे से यह समझ में आ जाता है कि डाइवर्जेंस और कर्ल का क्या मीनिंग होता है। सो पॉइंट नंबर वन यू विल कम टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ओके? और आपको जो मैंने इंटीग्रल्स करवाए थे उस इंटीग्रल्स में जो मैंने आपको करवाया था वो आज आपको यहां काम आएगा, और उसको मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा कि हम उसको यहां ये दोनों थ्योरम है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम जो आपके सिलेबस में आती है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कितने इंपॉर्टेंट है। देखिए तो हमें डाइवर्जेंस और कर्ल का रियल मीनिंग समझ में आता है, तो सबसे पहले हम डाइवर्जेंस लेते हैं, ओके? अब डाइवर्जेंस में आपको क्या समझना है, पॉइंट नंबर वन, डाइवर्जेंस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब मैं सरफेस इंटीग्रल पढ़ा रहा था कि किसी भी पॉइंट के अराउंड किसी वेक्टर फील्ड में कितना फ्लक्स इनवर्ड है या आउटसाइड है, यानी कि कितना आ जा रहा है फ्लक्स, वो हमें कौन बताता है, डाइवर्जेंस। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इट इज टेलिंग अबाउट आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर आपको ये छोटी छोटी डेफिनेशन अगर नहीं पता है तो मेरे चैनल पर वीडियोस हैं, आप उनको देखिए, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड को लेके। तो हम स्टार्ट करेंगे, देखिए तो आउटवर्ड फ्लक्स, दूसरा इसको कैसे लिख सकते हैं, आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड। अब वेक्टर फील्ड आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो देखिए, स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड की मैंने डाली हुई है, आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड। अब पर यूनिट वॉल्यूम तो करना है, लेकिन किस में, आप क्या करेंगे, जो आप सरफेस एरिया आप मानते हैं, बहुत छोटा सा एरिया मानते हैं, ठीक है, उसके अराउंड, मतलब उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे, जो पॉइंट आपने कंसिडरेशन के लिए लिया है, उस पॉइंट के अराउंड आप बहुत छोटा सा एरिया मानते हैं, जिसको आप फिजिक्स की लैंग्वेज में इनफाइनाइटिजिमल स्मॉल एरिया बोलते हैं, उस एरिया में कितना फ्लक्स आया जा रहा है वो कौन बताएगा, ये हमारा डाइवर्जेंस बताएगा। तो वेक्टर फील्ड, सपोज मैं ए वेक्टर मान लेता हूं इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया अराउंड ए पॉइंट टेकन अंडर कंसिडरेशन, ओके? आप अपने अपने जो नोट्स बना रहे हैं बहुत अच्छे से बनाइए, जरूरी नहीं है मैं सब कुछ लिखूं, आप मेरी लैंग्वेज से भी अपने नोट्स बनाना। देखिए आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, आउटवर्ड फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड, मेन डेफिनेशन इस पर ध्यान दीजिए, मैंने किसी वेक्टर फील्ड को लिया है और उसका जो फ्लक्स है, आउटवर्ड फ्लक्स मतलब उस वेक्टर फील्ड को लेके, जैसे मैंने आपको फ्लूइड वेलोसिटी के बारे में बताया था कि अगर मैं कोई फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर ले लेता हूं, यानी कि मैंने एक वेक्टर फील्ड मान ली, किससे रिलेटेड, फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर से रिलेटेड वो वेक्टर फील्ड, तो उसमें जो मैं स्मॉल पॉइंट मानूंगा उसके अराउंड जो मैं एरिया मानूंगा, उस एरिया से कितना जो फ्लूइड है वो फ्लो हो रहा है या कितना उसके अंदर आ रहा है वो हमें कौन बताता है, डाइवर्जेंस बताता है, ओके? अच्छा एक चीज और, मुझे डाइवर्जेंस और कर्ल पढ़ना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, दीज
two terms are always defined, always defined for a point. Okay? तो हम किसी point में define करेंगे. हमें किसी space में point मानना है, उसके around हम एक surface area भी मानेंगे और उसमें हम एक वॉल्यूम एलिमेंट भी मानेंगे जब हम कर्ल पढ़ेंगे या जब हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे. आई थिंक आई होप यू ऑल आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. गेट यू अंडरस्टैंड? सी, इतना समझ में आ गया. अब इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है? देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है. रिप्रेजेंटेशन मुझे डाइवर्जेंस देखना है, राइट? इसको ऐसे दिखाते हैं. किसका देखना है? ए का देखना है. तो कैसे दिखाते हैं? फ्लैशबैक में जाइए, इंटीग्रल्स की वीडियो देखिए. मैंने आपको बताया था कि सरफेस इंटीग्रल को हम ऐसे दिखाते हैं. तो क्या करेंगे हम? एरिया वेक्टर, सॉरी दैट इज नॉट एरिया वेक्टर, ए वेक्टर, जो भी हमने वेक्टर फील्ड ली है उसका हमने सरफेस इंटीग्रल ले लिया, राइट? और मैंने पर यूनिट वॉल्यूम लिया है. कितना लिया है? पर यूनिट वॉल्यूम. तो पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैं यहां पे एक सिंबल यूज करूंगा टाउ. ओके, सो दिस इज अ वॉल्यूम एलिमेंट. ये क्या है? ये हमारा वॉल्यूम एलिमेंट है. ओके, ये वॉल्यूम एलिमेंट है. लेकिन ये वॉल्यूम एलिमेंट ना बहुत छोटा है, यानी कि इसको मैं ऐसे लिखूं, डाइवर्जेंस ए जो मैंने लिखा यहां मैं लिमिट लगाऊंगा और टाउ टेंड्स टू जीरो दिखा दूंगा. देखिए मैं मेरी लैंग्वेज में ध्यान दीजिए, दिस इज टाउ टेंड्स टू जीरो. ओके, दिस इज नॉट जीरो, यानी के अगर ये जीरो हो गया तो यार ये इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा और उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा. अब देखो tau tends to zero है, tends to zero, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, ये अप्रोच कर रहा है लेकिन ये जीरो नहीं है. अब ये जीरो नहीं है तो जो ये एक्सप्रेशन है ये हमारा किसको देता है? डाइवर्जेंस ए को देता है. ओके, सो हम इसको डिब्बा बना देंगे और इस डिब्बे को हमेशा के लिए याद रखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल. देखो ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या है? ऊपर वाला ये सरफेस इंटीग्रल है. कितना है? सरफेस इंटीग्रल. और ये क्या है? वॉल्यूम एलिमेंट. और वॉल्यूम एलिमेंट कितना लिया? छोटा सा. तो आउटवर्ड फ्लक्स ये क्या बता रहा है? आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम. सो अब हम एग्जाम्पल लेके समझेंगे इसको, डाइवर्जेंस को. हम डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं तो देखो तो ये जो आया है इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सरफेस इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम. ओके, हम एग्जांपल लेते हैं. आप बेस्ट एग्जांपल डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ फ्लूड वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर कोमा लगा रहा हूं मैं अभी, ध्यान देना. डाइवर्जेंस ऑफ फ्लूड वेलोसिटी वेक्टर इज डिफाइंड, कैसे डिफाइंड करेंगे? इज डिफाइंड एज, मैंने क्या बताया था आपको कि मैंने वेलोसिटी वेक्टर लिया, यानी कि मैंने एक वेक्टर फील्ड ले ली और उस वेक्टर फील्ड में मैं एक पॉइंट मानूंगा, उस पॉइंट से कितना फ्लूड बाहर जा रहा है. एक सेकंड के लिए हम बाहर का कंसीडर करते हैं, तो वो क्या होगा आपका? डाइवर्जेंस, है ना? तो हम क्या करेंगे? डिफाइंड एज द क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग आउट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम अभी पर यूनिट वॉल्यूम अगेन कॉमा. So, ये लाइन अब इससे जुड़ गई है ना, दिस फ्लूइड वेलोसिटी वेक्टर यूनिट वॉल्यूम एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड इन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया अराउंड द पॉइंट. ये देखिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था पॉइंट के लिए डिफाइन करेंगे. पहले पॉइंट मानेंगे और उस पॉइंट के बाद क्या करेंगे? सरफेस एरिया भी मानेंगे, एरिया एलिमेंट भी मानेंगे और वॉल्यूम एलिमेंट भी मानेंगे. तो फ्लूइड वेलोसिटी जो वेक्टर है उसको कैसे दिखाते हैं हम कि कितने
क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड बाहर जा रही है पर यूनिट वॉल्यूम अराउंड दैट पॉइंट विच यू हैव कंसिडर्ड एंड द सर्फेस एरिया एलिमेंट विच यू हैव कंसिडर्ड अराउंड दैट पॉइंट। सो यहां मैं समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं दूसरा एक एग्जांपल लूं, अच्छा उससे पहले मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर डाइवर्जेंस जो आप कर रहे हो यानी कि जो आउटवर्ड फ्लक्स आप ले रहे हैं अगर वो बाहर की तरफ है आउटवर्ड फ्लो है तो वो किसकी तरह काम करता है सोर्स की तरह तो वो हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव है ना तो फ्लोइंग आउट या अवे बोल सकते हो आप तो आपका जो डाइवर्जेंस है वो कैसे लेना आपको पॉजिटिव लेना है और फ्लोइंग इनवर्ड है अगर तो यानी के इनवर्ड है और तो डाइवर्जेंस कैसा लेना है नेगेटिव लेना है। अगर नेगेटिव लेना है जब इस तरह काम करेगा तो ये सोर्स की तरह काम करेगा और ये सिंक की तरह काम करेगा। ओके इनका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा जब मैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम से कुछ डिड्यूस करेंगे लॉज को और उनके एप्लीकेशन देखेंगे। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया। एक दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं देखिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं करंट डेंसिटी का। एग्जांपल दूसरा देखिए करंट डेंसिटी का फिर से वही डेफिनेशन करंट डेंसिटी को कैसे दिखाते हैं जे वेक्टर से। तो अब यहां करंट डेंसिटी लेनी है एंड करंट डेंसिटी इज ऑलवेज डिफाइंड यू नो वेरी वेल यू हैव स्टडीड इन क्लास 12 दैट करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज अ करंट पर यूनिट वॉल्यूम। ओके सो नाउ वी विल डिस्कस डाइवर्जेंस ऑफ जे। मैं सिर्फ एक्सप्रेशन से समझा रहा हूं आप डेफिनेशन लिख लेना जैसे मैं बोलूंगा। डाइवर्जेंस जे इज माइनस कर्ली बाय कर्ली टी ऑफ व्हाट रो दिस इज अ करंट डेंसिटी दिस इज करंट डेंसिटी या फिर आप बोल सकते हो दिस होल एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग करंट डेंसिटी कैसे पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम या फिर इसका मीनिंग आप और कैसे समझ सकते हैं दिस इज रेट ऑफ डिक्रीज दिस इज नॉट करंट डेंसिटी चार्ज डेंसिटी सॉरी चार्ज डेंसिटी ओके दिस इज रेट ऑफ डिक्रीज। अभी नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज इन नेबरहुड ऑफ द पॉइंट जो आपने कंसीडर किया है उस पॉइंट के नेबरहुड में चार्ज डिक्रीज हो रहा है पर यूनिट टाइम। तो आप इसको ऐसे समझिए यानी कि देखो अगर वो डिक्रीज हो रहा है यानी कि फ्लो तो कर ही रहा है और अगर उस फ्लो को हमें दिखाना है अभी देखो कम हो रहा है रेट ऑफ डिक्रीज है ना ये तो ये कम अगर हो रहा है तो आपको क्या समझ में आया आपको कि अगर ये फ्लो है तो आप कैसे दिखा सकते हैं आप डाइवर्जेंस के टर्म में दिखा सकते हैं और इसीलिए मैंने एक्सप्रेशन लिखा है। देखिए अगर करंट डेंसिटी मैं चार्ज का फ्लो दिखा रहा हूं चार्ज का डिक्रीज होना दिखा रहा हूं तो आप उसको डाइवर्जेंस के टर्म्स में दिखा सकते हैं। फाइन सो इसको जो ये इक्वेशन है इसको इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी बोल देते हैं एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग what it is representing it is representing conservation of charge। तो अभी तक की वीडियो में आपने सिर्फ क्या सीखा है डाइवर्जेंस के बारे में कि डाइवर्जेंस हमें क्या देता है। अगर देखिए अच्छा एक चीज और मैं इसमें इंक्लूड कर देता हूं कि डाइवर्जेंस जो है अगर सपोज डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर अगर मेरा जीरो आ जाए क्या आ जाए जीरो आ जाए हम क्या कहते हैं आपने बुक्स में पढ़ा होगा कि इसका मतलब है कि जो ये ए वेक्टर है यानी कि इस वेक्टर की जो वेक्टर फील्ड है क्या है वेक्टर फील्ड वो कैसी है वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल कैसी सोलेनोइडल
मैं फिर बता रहा हूँ, मुझे बहुत हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ कि बच्चे अपनी डेफिनेशन में लिखते हैं और बोलते भी हैं, टीचर्स भी बोलते हैं कि सोलेनोइडल, लेकिन उसका फिजिक्स में मीनिंग उनको समझ में नहीं आता कि व्हाट डज दिस सोलेनोइडल मीन। तो ध्यान रखिए क्या मतलब होता है सोलेनोइडल का। देखिए डाइवर्जेंस अगर जीरो आ गया है, अभी मैंने क्या बात की आपके सामने लास्ट जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था यहाँ, जब मैं आपको चार्ज डेंसिटी समझा, सॉरी फ्लूइड वेलोसिटी का वेक्टर जो मैंने लिया और मैंने आपको समझाया, मैं क्या ले रहा था, क्या ले रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये क्या आ रहा है, जीरो। और वहां मैंने आपको बताया था सोर्स सिंक के बारे में। ध्यान रखिए अगर ये डाइवर्जेंस जीरो आ जाए तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये हो जाता है कि आपका जो आपने फील्ड ली है वो ना तो सोर्स की तरह काम कर रहा है और ना वो सिंक की तरह काम कर रहा है, समझ गए, यानी कि ना आ रहा है ना जा रहा है, या फिर जितना आ रहा है उतना आ रहा है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स और सिंक की तरह काम नहीं कर रहा है वो। तो आई थिंक आपको इसके बारे में पता लग गया कि क्या मीनिंग है इसका, ठीक है। लेट मी चेक, कुछ रह तो नहीं गया है इस पार्ट में। अच्छा, दूसरा एक जो ये फील्ड लाइंस आएंगी इस वेक्टर की, यानी कि जो वेक्टर फील्ड सोलेनोइडल होगी वो हमेशा या तो आपको क्लोज्ड मिलेगी या इनफाइनाइट मिलेगी, ओके। सो आज को हम इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। क्लास टू में मैं आपको कर्ल का मीनिंग समझाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आपको ये क्या समझ में आया है कि जो डाइवर्जेंस होता है, मैं लिख दे रहा हूं कि जो डाइवर्जेंस है किसी ए का, ठीक है, वेक्टर फील्ड का, वो हमेशा सरफेस इंटीग्रल इंटीग्रल पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ओके। सो इतना ही रखेंगे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोबारा कि वीडियो को पूरा देखिए, पूरा सिलेबस मैं आपको करवाऊंगा, यूपीएससी ऑप्शनल अगर आपको करना है, यूपीएससी आईएएस जो एग्जाम होते हैं उनके लिए अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आप फिजिक्स लेते हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपना पूरा दूंगा, 100% दूंगा, आप भी ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए, बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गलती हो जाए तो आई फील सॉरी, ओके, और मुझे मेरी मिस्टेक्स बताइए ताकि मैं दोबारा से कमिट ना करूं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।